नमस्कार जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में बड़ा हादसा हो गया है। भंडारा के जिला अस्पताल में SNCU में आग लगने से 10 शिशुओं की जान चली गई है। यूनिट से 7 शिशुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। CM ठाकरे ने हादसे पर दुख जताते हुए मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। भंडारा में हुए हादसे पर PM मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। PM ने कहा है कि महाराष्ट्र के भंडारा में हृदय विदारक घटना हुई है। हमने कई बहुमूल्य नौजवान जिंदगियों को खो दिया है। उम्मीद है घायल जल्द से जल्द स्वस्थ होंगे। PM मोदी ने 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाले इस कार्यक्रम में सूरीनाम के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस आयोजन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान रखा गया है। PM मोदी ने प्रवासी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज नई पीढ़ी भले ही जड़ों से दूर हो गई हो, लेकिन उनका जुड़ाव भारत से बड़ा है। PM मोदी ने कहा कि कोरोना काल में लोगों ने शानदार काम किया है। इस दौरान लोगों ने सेवा भाव का परिचय दिया है। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच बातचीत फिर बेनतीजा रही। 9वें दिन की बातचीत में किसानों ने तख्तियों के माध्यम से सरकार को कानून वापस लेने का दो टूक संदेश देते हुए कहा, मरेंगे या जीतेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। अच्छा हो कि अब इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करे। हालांकि बातचीत में हल न निकलने के बावजूद दोनों पक्ष 15 जनवरी को वार्ता करने के लिए राजी हो गए। वार्ता विफल होने के बाद यूपी गेट पर खाप चौधरी सुरेंद्र ने सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार तीनों कानून वापस लेकर मांगों को नहीं मानती है तो फिर 26 जनवरी को दिल्ली में किसान 1,00,000 ट्रैक्टरों के साथ परेड करेंगे। कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी ने #बोले भारत से सोशल मीडिया अभियान चलाया, जिसके तहत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने लोगों से किसान आंदोलन के पक्ष में आवाज बुलंद करने की अपील की है। राहुल ने आरोप लगाया है कि तारीख पे तारीख देना सरकार की रणनीति है। प्रियंका गांधी ने बातचीत के बेनतीजा रहने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना ही इस मुद्दे का समाधान है, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। प्रियंका ने पंजाब के उन कांग्रेस सांसदों से मुलाकात की जो कृषि कानूनों के विरोध में है। सिंघू बॉर्डर के बाद अब टीकरी बॉर्डर पर भी वाईफाई हॉटस्पॉट लगाने का काम शुरू हो गया है। आप नेता राघव चड्ढा ने कहा है कि इस सुविधा से किसानों को अपने परिवारों से संपर्क बनाए रखने में मदद मिलेगी। बता दें कि किसानों के पक्ष में आम आदमी पार्टी खुलकर सामने आ गई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर धनखड़ की ममता बनर्जी सरकार के साथ तकरार चल रही है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेता राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। देश के शीर्ष आर्थिक विशेषज्ञों ने PM मोदी से सरकारी कंपनियों के निजीकरण की दिशा में तेजी से बढ़ने की अपील की है। उन्होंने PM को अंतर्राष्ट्रीय पंचायतों के फैसलों को चुनौती देने से बचने और देश के ढांचागत निवेश में बढ़ोतरी करने की भी सलाह दी है। केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान के बाद अब हरियाणा और गुजरात में भी बर्ड फ्लू पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने हरियाणा और गुजरात में बर्ड फ्लू की पुष्टि की है। इसके बाद 5 पोल्ट्री फार्म की 1,66,000 मुर्गियों को मारने का फैसला किया गया है। पंजाब सरकार ने दूसरे राज्यों से पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। ये आदेश 15 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। CM अमरिंदर सिंह ने अपने आदेश में कहा है कि एवियन इन्फ्लुएंजा के खतरे को देखते हुए ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। ट्विटर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। ट्विटर ने कहा कि भविष्य में और बवाल की आशंका को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। इससे पहले ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को 12 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था। BSF के जवानों ने भारत पाकिस्तान सीमा पर 6 पाकिस्तानी युवकों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी युवकों की आयु 20 से 21 वर्ष के बीच है। युवकों से सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की संयुक्त टीम द्वारा पूछताछ की जा रही है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में देरी को लेकर CM नीतीश ने एक बार फिर भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। CM ने कहा है कि बिहार में उनके कार्यकाल में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देरी हुई हो। हम शुरुआत में ही पूरे मंत्रिमंडल का विस्तार कर देते थे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माधव सिंह सोलंकी का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सोलंकी गुजरात राज्य के 4 बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो चुके थे। PM मोदी ने माधव सिंह सोलंकी के निधन पर दुख जताया है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा आज एक दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल में किसानों से मुलाकात करेंगे। नड्डा वर्धमान में किसानों को संबोधित करने के बाद घर घर जाकर चावल संग्रहण अभियान की शुरुआत भी करेंगे। इस दौरान वो अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता के बारे में भी बताएंगे। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों के पंजीकरण और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में व्यापक बदलाव किए हैं। अब केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम को 20 भाषाओं में तैयार किया गया है। अब तक ये अधिनियम अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध थे।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 25वें वार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जीपीएस के जरिए इलेक्ट्रॉनिक टोल की वसूली से लोगों को आसानी होगी। इससे वाहन द्वारा सड़क के इस्तेमाल के आधार पर उपयोगकर्ता से टोल काटा जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने टीकाकरण के पूर्वाभ्यास को बेहद सफल बताया। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में पूरे देश में टीकाकरण शुरू हो जाएगा। देश की समूची आबादी का टीकाकरण करने का सपना जल्द ही हकीकत में बदलेगा। दिल्ली में अगले एक सप्ताह में वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो सकता है। सबसे पहले 3 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी। दिल्ली में टीकाकरण से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगले 2 से 3 दिन के अंदर वैक्सीन दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,04,32,000 के पार पहुंच चुका है। इनमें 1,55,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,50,835 लोगों की जान जा चुकी है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 18,453 नए मामले सामने आए हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 8,93,00,000 से ज्यादा हो गया है। इसमें अब तक 19,21,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर चेतावनी दी है कि देश में हालात पहले से ज्यादा खराब हो सकते हैं। WHO प्रमुख टेड्रोस ने COVID-19 टीका गरीबों तक पहुंचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि टीका बनाने वाली कंपनियों और धनी देश द्विपक्षीय सौदे करना बंद करें। अब तक 42 देशों ने टीके लगाने शुरू कर दिए हैं। अभी तक किसी देश ने गरीबों को टीका देने की बात नहीं कही है। भारत और फ्रांस के वार्षिक रणनीतिक संवाद के दौरान समुद्री सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र पर चर्चा की। दोनों देशों ने इस क्षेत्र में साझेदारी को उच्च प्राथमिकता देने का संकल्प लिया। भारत की तरफ से अजीत डोभाल और इमैनुअल बोन ने फ्रांस का नेतृत्व किया। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अमेरिका पर निशाना साधा है। किम जोंग उन ने कहा कि अमेरिका उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया परमाणु पनडुब्बी का परीक्षण करने की भी योजना बना रहा है। नोएडा प्राधिकरण ने एक नई स्कीम शुरू की है। इसके तहत कंपनियां नोएडा अथॉरिटी के फ्लैट किराए पर ले सकेंगी। ये फ्लैट 11 महीने के अनुबंध पर दिए जाएंगे। इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए छोटी बड़ी कंपनियां प्राधिकरण की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने चिटफंड घोटाले की CBI के जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस घोटाले के शिकार हुए निवेशकों को मुआवजा देना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एक ज्ञापन भी सौंपा है। अगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले में 25 फरवरी को फैसला आएगा। इसके बाद साफ हो जाएगा कि नीरव मोदी भारत आएगा या नहीं। लंदन की अदालत में दलीलों की सुनवाई के बाद इस तारीख की पुष्टि की। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष शिवकुमार ने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस थाने और सरकारी दफ्तर भाजपा कार्यालयों की तरह काम कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन करने पर डराया और धमकाया जा रहा है। आयकर विभाग ने कोलकाता के रियल एस्टेट और स्टॉक ब्रोकिंग समूह पर छापेमारी की। इस दौरान 365 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है। कंपनियों ने अब तक 111 करोड़ रुपए की अघोषित आय को स्वीकार किया है। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। कांग्रेस का विरोध बेबुनियाद है। संभाजी मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के बड़े बेटे थे। हम बरसों से औरंगाबाद को संभाजी नगर कहते आए हैं। नोएडा के पास फिल्म सिटी का अध्ययन करने के लिए ईडा ने CBRE से करार किया है। ईडा के CEO अरुणवीर सिंह ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने बताया है कि कंपनी परियोजना को लेकर 2 महीने में विस्तृत मसौदा सौंपेगी, जिसके बाद इस योजना के काम में तेजी आएगी। झारखंड हाईकोर्ट ने RJD प्रमुख लालू यादव के मामले को लेकर सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि सरकार कानून से चलती है, व्यक्ति विशेष से नहीं। अदालत ने रिम्स निदेशक के केली बंगले में लालू को स्थानांतरित करने पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। आंध्र प्रदेश सीएम जगनमोहन रेड्डी ने 9 मंदिरों के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी। मुख्य विपक्षी दल तेलुगु देशम पार्टी ने इसे राजनीतिक करार दिया। पार्टी ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पहले मंदिर तोड़े गए, अब सहानुभूति पाने के लिए फिर मंदिर बनाए जा रहे हैं। बुलंदशहर जहरीली शराब कांड हादसे के बाद सीएम योगी ने सख्त रुख अपना लिया है। उन्होंने कहा कि सभी आरोपियों पर रासुका के तहत कार्रवाई होगी। इस मामले में थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा आबकारी निरीक्षक पर भी कार्रवाई हुई है। जहरीली शराब कांड को लेकर सपा और कांग्रेस ने सीएम योगी से जवाब मांगा है। अखिलेश यादव ने कहा कि पता नहीं योगी सरकार में शराब कहां से आती है। बुलंदशहर में कई जाने चली गई। इससे पहले लखनऊ और बाराबंकी में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने कहा कि भारत 2022 तक कुशल श्रम शक्ति का वैश्विक स्रोत बन जाएगा। इसके लिए इंडिया कार्यक्रम देश को मजबूत करने का काम कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत करोड़ों युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार का अवसर मुहैया कराया जा रहा है। बंगाल भाजपा प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने PM सम्मान किसान निधि को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा सरकार आने के बाद प्रदेश के किसानों को किसान निधि का पुराना पैसा दिलाया जाएगा। CM ममता बनर्जी ने इस योजना को लागू न कर किसानों के साथ अन्याय किया है।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजवर्धन सिंह राठौर ने सीएम गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है। जिस कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाया, वही पार्टी केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दे रही है। इस महीने देश के कई हिस्सों में अच्छी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि 11 और 12 जनवरी को उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर चलने की संभावना है। 14 से 28 जनवरी तक दक्षिण भारत में सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है। असम सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों को MSP देने के लिए प्रतिबद्ध है। यहां धान खरीद पर 1,868 रुपए प्रति क्विंटल का MSP दिया जा रहा है। विपक्षी दल किसानों को गुमराह करने में लगे हैं। नए कानूनों से किसानों को फायदा मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की पहली पारी 244 रन पर सिमट गई। टीम इंडिया की तरफ से शुभम गिल और पुजारा ने 50-50 रन की पारी खेली। कमिंस 4 विकेट लेने में कामयाब रहे। इंडिया की पारी में 3 खिलाड़ी रन आउट होकर पवेलियन वापस लौटे। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 338 रन बनाए थे। इस तरह से कंगारू टीम के पास पहली पारी के आधार पर 94 रन की अहम बढ़त है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 81 रन बना लिए हैं। सिराज और अश्विन ने 1-1 विकेट लिए। पहली पारी में पिछड़ने के बाद भारतीय टीम के लिए एक और बुरी खबर सामने आ रही है। पैट कमिंस की तेज तर्रार शॉर्ट बॉल को मारने के प्रयास में ऋषभ पंत बुरी तरह चोटिल हो गए हैं। पंत को स्कैनिंग के लिए ले जाया गया है। अब उनकी जगह साहा विकेट कीपिंग कर रहे हैं। BCCI के सचिव जय शाह ने सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया। BCCI सचिव ने पूर्वोत्तर राज्यों में क्रिकेट को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए शीर्ष निकाय द्वारा आवश्यक सभी सहायता का आश्वासन दिया। दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में डेरिन और बार्ट मैन जैसे नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। वहीं तेज गेंदबाज कागिसो रवाडा और हरफन मौला ड्वेन प्रिटोरियस की भी टीम में वापसी हुई है। श्रीलंका के स्पिनर अखिला धनंजय को ICC ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी करने की अनुमति दे दी है। ICC ने कहा है कि धनंजय को संदिग्ध एक्शन में सुधार करने और इसके पुनः मूल्यांकन के बाद गेंदबाजी शुरू करने की अनुमति दी गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।